फाल्तून व्हाट्सअप दिस साइड हर्षाली यार अपनी जम्मू की लड़की वेलकम टू ब्लॉग पंथी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन आउट देयर। आज का व्लॉग है दीपा व्लॉग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। मतलब दिस दिवाली इट्स लाइक माई फर्स्ट दिवाली ऑन ब्लॉग पंथी, सो अ रियल 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आई थॉट टू जस्ट सेलिब्रेट दिस दिवाली विद ऑल ऑफ यू गाइज, एंड आई जस्ट वोक अप, ओके, एंड थॉट टू गिव यू एन अपडेट दैट आई एम अवेक। आज का दिन बहुत मस्त होने वाला है, पता है क्यों? बिकॉज आज हम लोग मिठाइयाँ खाएंगे, बनाएंगे कुछ स्पेशल घर पे, फिर दिया एंड बाती एंड देन लाइटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, रंगोली, दैट इज़ अ रियल, यू नो, मेरी क्रिएटिविटी दिखती है आज के दिन। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक दिस व्लॉग फॉर आज। तो सब लोग घर पे बैठे हैं, सबको छुट्टियाँ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अब तो छोटे बच्चों को पूजा हॉलीडेज, वेट, इट्स पैंडमिक, सब लोग घर पे हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है 6 महीने से पूजा हॉलीडेज ही चल रही है सबकी। सो नो पूजा हॉलीडेज, बट स्टिल यू आर एट होम एंड एंजॉइंग विद योर फैमिली, दैट इज़ अ रियल ब्लेसिंग। आई थॉट टू गिव माई मॉम ऑल्सो अ हॉलीडे बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक टूडेज ब्रेकफस्ट विच विल बी रियल स्पेशल बिकॉज आई हैव समथिंग स्पेशल इन माई माइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर टूडेज ब्रेकफस्ट वी गोना बी मेकिंग दीज, वी हैव जस्ट, मैंने जो आलू हैं वो बॉईल कर दिए हैं, उसके बाद इनका छिलका निकाल के है मेरे पास, ये है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे, ओके, इन सबको मैश करेंगे। एंड तो गाइस, हमने आलू जो हैं वो मैश कर दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट सी, इसको मैंने हाथों से ही मैश किया बिकॉज मुझे बहुत ही छोटे छोटे मैश पार्टिकल्स चाहिए थे इसके। तो उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाला ऐड करेंगे, सो आई एम गोना जस्ट शो यू अप। सो गाइस, वी गोना ऐड सम चिली फ्लेक्स जो मेरे पास डोमिनोज के पड़े थे, मैंने वही ऐड कर दिया, ओके, बिकॉज आई एम अ स्पाइसी पर्सन। ऐड सम सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यू वॉन्ट इन इट। देन थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, के बाद लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर, एंड दिस इज वॉट वी हैव। अब सारे मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। सो गाइस, हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो रेडी है, और अब है हमारी बैटर बनाने की बारी। बैटर के लिए हमने एक बाउल में लिया है बेसन, हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। गाइस, हमारा बैटर भी रेडी है, इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल दिया हुआ है, ओके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप बैटर बनाएं उसमें लम्ब्स ना रहें, सो दैट जब आप उसको डिप करें अपने पकौड़े को या जो आपका वड़ा होता है उसके बाद उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर हम लोग जो मिर्ची यूज़ करते हैं वो होती है ये वाली, ये थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में, और ये स्पेशली मेड फॉर यू नो अचार एंड ऑल दैट होती है। सो हम लोग ये वाली मिर्ची यूज़ करेंगे, हम इसको हम बीच में से स्लिट कर देंगे। सो आई विल जस्ट डू दैट एंड देन आई विल शो यू। मैंने बीच में से स्लिट कर दिया था और इसके अंदर से ये दो निकले थे जो भी मिर्ची के अंदर होता है, के बीच में हमने डाल दी अपनी आलू वाली फिलिंग। सो जब भी आप इसको खाओगे, इसके जैसा एक बाइट आएगा तो पहले मिर्ची और उसके अंदर वो आलू की फिलिंग, इट विल टेस्ट लाइक हेवन। जैसे वो गाइस, हमने अपने चार मिर्ची के वड़ा जो है वो बना लिए हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, इट लुक सो गुड, ओके। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिप करेंगे अपने बैटर में और इसको सीधे कर देंगे फ्राई। बस ये फिलिंग रिमेन बच रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसके मैं नॉर्मल वड़ाज बना लूँ। हमारे ये चार वड़ा और चार मिर्ची वड़ा आर रेडी, अब इसको हम बैटर में डिप करके करेंगे फ्राई। सो लेट्स मेक दिस एंड आई जस्ट कैच यू सून, बाय। सो गाइज, हम अपनी मिर्ची जो है वो इसमें अच्छे से डिप कर देंगे, पूरी अच्छे से लगनी चाहिए जो हमने पैन में। गाइस, फाइनली हमारे पकोड़े रेडी हैं, उसके साथ हमने बनाई है अपनी ये मिर्ची, जो वड़ा पाव खा चुके हैं भाई उनको पता होगा, इसको सिर्फ सिंपल फ्राई करना है और सिर्फ नमक लगाना है इसमें और ये मिर्ची तैयार हो जाती है। सो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। सो बाय। सो फाइनली अब मेरे पास अपना ब्रेकफास्ट है, मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपना गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सो आई विल कैच यू सून। सो गाइस, आई एम रेडी फॉर जस्ट
गेटिंग द दिवाली प्रिपरेशंस डन, बिकॉज अभी हम लोग गए थे अपने कजन्स के यहाँ पे, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, क्योंकि उनको गिफ्ट्स वगैरह देने थे. आज दिवाली है तो हाउ यू कैन डू इट ऑल विदाउट गिफ्ट्स. तो अभी हम लोग घर पहुँचे और अब मैं जाऊँगी अपने रंगोली बनाने के लिए और दिया वगैरह सब कुछ करने के लिए. सो लाइटिंग वाला सिस्टम तो कल ही हो चुका था. सो नाउ अभी हम लोग जाते हैं और रंगोली बनाते हैं अपनी. और आई एम सो एक्साइटेड टू शेयरिंग समथिंग गुड इन पर्सन एंड शेयरिंग माई क्रिएटिविटी. सो लेट्स गो. सो गाइज वी आर डन विद आर पूजा. और क्रैकर्स तो इस बार जलाने नहीं है. वैसे भी आई एम अगेंस्ट क्रैकर्स, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं. नो वो फालतू का शोर, धमाका शोर बहुत बेकार है. सो वी आर नॉट सपोर्टिंग द क्रैकर. एंड यू ऑलरेडी सॉ मेरी रंगोली दिस दिवाली पीस वाली. सो प्लीज़ इग्नोर दिस कलर्स, बिकॉज अभी रंगोली बनाई है तो सारे हाथ कलरफुल हो चुके हैं. अब हम अपना प्रसाद खाने वाले हैं. सो लेट मी शो यू माई प्लेट. ये हमारा प्रसाद की प्लेटर है. इसमें हमारे पास है ये जो पूड़ी है, ये घर पे बनी हुई है. ये हमारे हैं लड्डू, जो कि हैंडमेड लड्डू होते हैं. ये मम्मा ने बनाए हैं देसी घी में. उसके बाद ये हमारी अमृति, ये हमारा बेसन का लड्डू, ये हमारी पिन्नी है जिसका काजू गुम गया है, ये है हमारा रसगुल्ला, देन दिस इज़ लाइक 3 पीस ऑफ चॉकलेट. अभी और भी बहुत सारी मिठाई है वो, और साथ में हम पियेंगे चाय. सो दिस इज़ आर दिवाली. टेल मी योर्स इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी गई तुम लोगों की दिवाली. सो गाइज कैसा लगा तुम्हें मेरा व्लॉग और मेरा दिवाली सेलिब्रेशन. एंड या विल बी मीटिंग यू सून विद माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.